पांच सालों की मेहनत और खास तैयारी, अब है लंका दहन की बारी। सीताराम और हनुमान के दिव्य अवतार, बड़े पर्दे पर रामायण का सपना होगा साकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पांच सालों की कड़ी मेहनत और माथा पच्ची के बाद प्रभु श्री राम की कहानी बड़े पर्दे के लिए तैयार है। जी हाँ, दंगल और छिछोरे जैसी दमदार फिल्में बनाने वाले नितेश तिवारी लेकर आ रहे हैं मेगा बजट रामायण। कई बदलावों से गुजरने के बाद आखिरकार इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। मेकर्स ने बहुत ही खास दिन चुना है इस फिल्म के ऐलान के लिए। खबरें हैं कि अप्रैल में राम नवमी के खास मौके पर रामायण फिल्म का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। वैसे फिल्म की मुख्य कास्ट लगभग तय हो चुकी है। जहां भगवान राम के रोल में दिखाई देंगे रणबीर कपूर, तो माता सीता का रोल पर्दे पर साकार करेंगी साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। सबसे बड़ा सरप्राइज तो दर्शकों को मिलेगा भगवान हनुमान के रूप में। बजरंग बली के किरदार को निभाने जा रहे हैं एक्शन स्टार सनी देओल। हालांकि अभी भी लक्ष्मण के रोल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। वहीं कैकेयी के किरदार में लारा दत्ता, तो शूर्पणखा के रोल के लिए रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया है। भगवान राम के पिता दशरथ के रोल के लिए अमिताभ बच्चन और अरुण गोविल दोनों ही दिग्गज कलाकारों से बातचीत चल रही है। वैसे फिल्म के प्री प्रोडक्शन और VFX पर ज्यादा काम हो चुका है और जुलाई से फिल्म की शूटिंग बहुत ही एक्शन पैक अंदाज में शुरू हो जाएगी। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये फिल्म 2025 की दिवाली पर रिलीज हो सकती है।